ये तो मेरा कैमरा मैन का थप्पड़ मारा है ना, अच्छी बात नहीं है, ठीक है बता रहा अंदर से पेल लो रे प्री वर्कआउट मेरे, फिर जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, शोल्डर करेंगे और डेडलिफ्ट करेंगे, या डेडलिफ्ट और ट्राइसेप कर लेंगे डेड के बाद जैसा हुआ, और ये मिस्टर हरियाणा 3 times अपनी इज्जत चुपाते हुए भाई क्या बात है बोलो भाई बताओ बताओ भाई भाई अपने करीब पीले डेड मारते ज्यादा नहीं यार 85 किलो में मेरा तो वजन कम भी हो गया 2 किलो 92 था ना कैमरा मैन भाई पैसे नहीं है फोन पे नंबर भेज दो लाइन तो दिख रही है एब्स की सत्तू भाई अपना स्टूडेंट है, रेसलिंग करता है, उसमें इसका गोल्ड आया भाई का भी अपने वेट कैटेगरी में, तो मिलवाते हैं अभी आपको भाई से, अभी दोपहर वर्कआउट कर रहा है, जैसे ही फ्री होता है फिर मिलवाता हूँ, बताते हैं कैसे क्या था, रोहतक में हुई थी ये ओवरऑल में, और भाई ऐसे ही ग्रो करते रहो, और किसी भाई को ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना तो वो ज्वाइन कर सकता है, ओल्ड स्कूल फिटनेस सेक्टर 12 राजीव नगर गुड़गांव, ये हमारी मेडल्स ट्रॉफीज, सारे भाई मिल के ग्रो करेंगे एक साथ, और ये और सर्टिफिकेट्स ये भी लगवाने हैं, ये इसी साल के थे हमारे हरियाणा गुड़गांव के सोनीपत के, तो अच्छी गाइडेंस में ट्रेनिंग करो भाई, आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और बीमार होने से बचोगे। कितने वेट में आया था भाई मेडल कैटेगरी में? 65 kg में आया था भाई। किस चीज में? कुश्ती में। कहाँ पे हुई थी? रोहतक में। भाई अपना भाई है ये आ रहा था जिम में, इसका आया भाई का मेडल, मैंने बताया जैसे भी आपको 65 में, ये भारत केसरी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार, कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत ऐसे ही तरक्की करता रहे। और ट्रेनिंग कैसे चल रही है? बढ़िया यहाँ पे चल रही है, एकदम बढ़िया, टॉप क्लास। आगे का एम अभी नेशनल होने वाला है 2 January ने, तो उसमें सिलेक्शन होया है, वो देखे आऊँगा, और फिलहाल इसके बेसिक्स का एसआई कैंप में सिलेक्शन होया, 1 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद एशियाड गेम का ट्रायल है वो भी दूंगा। अभी नेशनल में क्लियर हो गया? हाँ अभी नेशनल में क्लियर हो गया। चल बहुत बहुत बधाई भाई, धन्यवाद भाई को, मिलते हैं जल्दी नेशनल में भाई को, झंडा ये झंडा भी हम यही लगाएंगे, फिर मैं जा करता अखाड़ा में, फिर वहां तक आ करता मैं 10-10:30 प्रैक्टिस करके, दिन मैं अपना डाइट ड्यूट लेकर शाम में, फिर मैं 4:30 आ जा करता यहाँ पे प्रैक्टिस करता मैं 7:30 थी सुबह, कार्डियो मूवमेंट वगैरह सब करता अपने, शाम ना जिम मार दर में नत मार दा बस भाई, चुतरा खाना देसी घी का खाना, मैं शूट करूं कुछ डाइट के कहती डाइट में भाई अपना तड़के उठते थोड़े बे और चने ले उठे के बजे कर रहता उठा करता मैं सब धीरे धीरे बोल धीरे धीरे बोल धीरे धीरे बोल अड़ा आ जाई गल ट्रॉफी गल। सुबह कितने बजे उठे करता? सवेरे भाई मैं 3:30 उठ जाएगा था, अपने फ्रेश फ्रूश होकर ना 4 लगभग, 3:30 सर्दी में? हाँ सर्दी में। अच्छा 4 लगभग फ्रेश होकर ना मैं अपने अखाड़े में चल दिया था, तो हमारी 4:30 प्रैक्टिस चालू हो जाती थी, और 4:30 तो वहाँ चल जाती 9:30 लगता हूँ रगड़ गन, फिर आधा घंटा मैं कूल डाउन करा करते, 10 मामला छुट्टी मिल जा करती, तो मैं अपने रूम पा कर रोटी राटी खा कर दोपहर के अपने आए पास बादाम रगड़ा पी लेते,
और डाइट डूट ले लेंगे। शाम ने फिर मैं 4:30 बजे रेडी होना चाहता, 5 बजे 5:30 बजे लगा डे जिम आ जाएगा। शाम ना मैंने तुम्हारा करता तड़के जिम में भी कार्डियो करना आया करता, तो कार्डियो कई बजे करो नहीं ना आज अखाड़ा में जाने का जी को नहीं कर रहा, थोड़ा जिम में अखाड़ा आड़ मेहनत मारना चाहता तड़के अपना वर्किंग करके रनिंग साइकिलिंग करके ना आड़ तड़के तड़क मूवमेंट अखाड़े में करने के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करिए सारी हर तरीके की हर बॉडी पार्ट की वेट ट्रेनिंग करना चाहता पूरा, मतलब 2 से 2.5 घंटे जिम में उसके बाद 1.5 से 2 घंटे अखाड़े में पूरा दिन ही देना पड़ता है भाई एक मेडल के लिए, सुबह के 4:30 से लेके रात के 10:30 बजे। कितने साल हो गए? मैं 4 साल का था जब तो पहलवानी किया, जब 4 साल का था या 4 साल था जब जब छोटा था जब से इसमें गिर दिया इसको अखाड़े में गिर दिया घर वालों ने। और आप ये गेम कब से कर रहे थे? रेसलिंग कब से कर रहे हैं? कब से? मैं 2006 में पैदा हुआ था तब से खेल रहा है। मेरे चाचा भी थे, चाचा ताऊ का लड़का भी थे, तो चाचा सर्कल कबड्डी खेला कर रहा है, ताऊ का लड़का भी खेला। अभी देख लो एक मेडल के लिए 6 महीने कम से कम, तो मेहनत तो इसकी पहले से ही चल रही है, जो मेन प्लेयर हो गई लगा लो सुबह के 4 से लेकर रात के 11 बजे तक पूरा टाइम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करके वही खाना पीना उसी हिसाब से ट्रेनिंग करना, मन हो ना हो सर्दी जुकाम बुखार किसी चीज़ को नहीं देखना पड़ता भाई पूरा फोकस, इसलिए एक्सक्यूजेस मत दिया करो, आओ एक्सरसाइज करो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मेडल को क्यों देख रहे हो? मेडल रहने दो, मेडल हर किसी के बस की ना है भाई, लाखों में से कोई निकला है भाई, इतना फोकस क्या मेरे हम देख के बोलो बधाई हो भाई बधाई हो ये ट्रॉफी भाई और वजह नहीं इसका 55 kg 50-55 के आसपास लाइक ऐसे पहला सेट भी नहीं है, वार्म अप चल रहा है हमने तो बीआर ओली लगे बस
चले पहली बार आ रही है इसमें 160 अब तक 150 के आराम था, पिछली बार करोड़ में लास्ट में 160 नहीं लगा था। इसलिए जब घुटना बंद हो जाए ना रेट तो 2-3 हफ्ते का गैप देता भाई ट्रेनिंग में, मतलब इसी सेशन में ये नहीं पूरी बैक छोड़ दोगे, उससे बहुत आपको फायदा मिलता है क्योंकि मसल फटीक हो जाती है ना, इसका कवर में हो जब तक आप वेट मार ही नहीं पाओगे। हम ट्राई करते हैं, मैं सिर्फ स्पीड ट्राई कर रहा हूँ, स्पीड इन द सेंस कितनी जल्दी उठा सकता हूँ बिना होल्ड करे बिना रुके, नीचे बैंड और सेकंडों के हिसाब से लिफ्ट, 2-3 सेकंड में आ गया, आ गया आ गया आ गया कितनी जल्दी आया है, कितनी जल्दी उठाना है वो देखना है, उठ गया आ गया चल 2 सेकंड अरे वाह, अगले 2 भी पूरी नहीं थी, डेढ़ डेढ़ स्पीड में देखते हैं ना, जितनी तेज उठेंगे उतनी फिर भी यार जल्दी मार पाएंगे बिना रुके। मेरी कर दो 200 किलो कर दो, मैं मार लेता हूँ 200 कर दो यार, 2-3 रैंप मार लूं है ना भैया, 165 अरे भी यार मार ले यार, मार ले वार्म अप कर रहे हैं, 3 सेकंड ओनली, 3 सेकंड्स अरे वही प्रेम खराब कर रहा है, चलो इजी है, डेढ़ सही हम नीचे कर रहे हैं, मैं बच्चे भी संभाल लेता हूँ इसलिए हम आवाजी हो जाएगी थोड़ी हमारे, ये भी डाल ही देता हूँ, ये भी डाल ही देता हूँ, चल बेट हटा ये छोड़ दे। बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगी थोड़ी सी है ना, हैवी वेट से चिल्ला मत, मेरी डेट देख के मोटिवेशन मिली ना तुझे, ओ भाई भाई इतनी ना चाहिए भाई, से पे मार रहे हैं, चलो फैट मार ऐसे गाने बंद करा देते हैं हम, देखो चलते चलते सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फ्रेंड्स मार रहे हैं, आराम से आराम से डेड कर दी जिम में हुई लड़ाई यही थंबनेल डाल रहे हो, यही डालते थंबनेल आज, अमन नहीं तो मैं भिड़ रहे आपस में, अमन तू यहाँ नीचे बैठ जा, चलो भाई चलो ₹10 में ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे ये भाई, हमारा ये भाई पैसे कर रहे हैं
वर्कआउट भी अच्छा होगा, थकान भी नहीं होगी और सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, है ना। और मन भी लग रहा है एक्सरसाइज करने का, नेक्स्ट जाने का मन भी करेगा। चुपचाप करोगे, परेशान लगोगे तो मजे ही नहीं आएंगे एक्सरसाइज करने का। इसलिए फोकस, हंसी मजाक जरूरी है जिंदगी में यार। आप मारते डंबल प्रेस तीन सेट मारे हमने, देखते हैं अभी 30-35-40 रहेंगे। अच्छा शूट में ले लो इसको, क्या चल रहा है, थोड़ा सा सीन हो गया था भाई का एक का, तो फिर इसलिए एक्सरसाइज भी छोड़ दी, वहाँ जाना पड़ गया था वापस, तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ठीक है, ख़त्म करते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताने की जरूरत है नहीं, ना बताना पड़ेगा, बताने लायक ना, बताने लायक है नहीं चीज़ें सारे, फिर हमने वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, रात को खाना खाते हैं, अभी देखते हैं अगर आज बाहर जाना नहीं तो बाहर का, लेकिन फिर भी अपना जो घर में बनेगा वही खाएंगे। अगली बार आपको 40 kg का डंबल दिखाते हैं सैटरडे के आसपास या फ्राइडे को, दोबारा कर लेंगे। ठीक है, चैनल को प्यार करते रहो और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लव यू ऑल।